हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ, उसमें पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ मैं और उसके प्रश्नों के उत्तर भी बता चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखा है जाकर के वो प्लेलिस्ट में चेक कर ले मेरे चैनल पर। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पार्ट 2, धर्म के लक्षण। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, सबको हम जो है अलग अलग धर्म मानने वाला समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला, यानी हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक देश में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कहा जाता है। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं, यानी कि सिख, बौद्ध, जैन जो है उसी के अंतर्गत, हिंदू के अंतर्गत जो भारत की संस्कृति है उसी के अंतर्गत जो है सो एक विशेष कोई मत या पंथ है। इस्लाम और ईसाइयत जो है वो विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब हैं। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान, यानी कि अगर कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई है तो वो नहीं है कि वो धार्मिक ही होगा, वो अधार्मिक भी हो सकता है। क्योंकि धार्मिक किसे कहा जाता है, जो ईमानदार हो, और तो ईमानदार और बेईमान ये तो दोनों में होंगे, हिंदू में भी होगा और मुस्लिम में भी होगा। तो इसलिए हर हिंदू को धार्मिक नहीं कहा जा सकता या हर मुस्लिम को धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। तो धार्मिक का अर्थ हुआ ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं, उसी प्रकार यानी कि देखिए देश एक है, कंट्री एक है और उसमें क्या है, स्टेट हैं बहुत सारे, तो उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत यानी कि विचारधाराएं जो है वो अनेक है। जैसे कि मानव का धर्म एक ही क्या है, मानव का धर्म, इंसानियत का धर्म, लेकिन फिर उसमें अलग अलग विचारधाराएँ हैं। जिस तरह से कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट हैं, उसी तरह जो मानव है उसमें फिर अलग अलग लोगों की सोच और विचारधाराएं हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि, ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है। तो देखिए मनु महाराज ने जो धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो क्या दिया गया है, ये देखिए, धृति, क्षमा, दमुष्टियम, शौच, मिंद्रिय, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशंकम, धर्म लक्षणम। तो इसका अर्थ देखते हैं हम आगे। तो देखिए इसका अर्थ है, सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं कही गई है। ईश्वर को मानने या न मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, और यदि ये बातें उसमें नहीं हैं तो वह धार्मिक नहीं है। ये गुण धर्म की पहचान है। उपयुक्त 10 लक्षणों यह पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह के इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति तो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा की है, वो क्या की है, देखिए, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेष अर्थात आत्मकल्याण भी हो, यानी कि अपना खुद का भी कल्याण हो। उदाहरण के लिए
एक किसान अपने खेत में उत्तम धन पैदा करता है और वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है, जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही मालामाल हो जाए पर समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी व हानिकारक वस्तुओं का जो व्यापारी है पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा ले परंतु वह समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आँखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो, आत्मा मैली ना हो। कभी कभी धर्म और अधर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। अतः आत्मन प्रतिकूलानि परेशानः समाचरेत, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी प्रतिकूल यानी जो हमें हमारे लिए ना हो, हमें पसंद ना हो, जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद ना हो वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। इसमें दो ही प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए उसे अब हम करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों के अर्थ लिखो। तो देखिए क्या क्या वचन लिखे गए हैं हमारे। पहला हमारा क है जिसमें इन वचनों के अर्थ देने हैं। किसके किसके? धृति, क्षमा, दमोस्ति, शौच, इंद्रिय निग्रह, दुर्विद्या, सत्यम और अक्रोध का। और दूसरा ख का हम देंगे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानः समाचरेत। तो चलिए पहले हम क का उत्तर करते हैं। तो देखिए क का उत्तर धृति। धृति का अर्थ हुआ धीरज रखना। क्षमा का अर्थ हुआ क्षमाशील, यानी कि किसी को भी क्षमा कर सके। दमुष्टि का अर्थ है जो अपने मन पे काबू रख सके, यानी मन पे काबू रखना। शौच का अर्थ है शरीर और मन को पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना। धीर विद्या का अर्थ है बुद्धि और विद्या। सत्यम का अर्थ है सत्य। अक्रोध का अर्थ है क्रोध न करना। आप इसका ख देखते हैं। ख में इस पंक्ति का क्या अर्थ दिया गया है? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा व्यवहार जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो अर्थात अच्छा ना हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न दो, वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है धैर्य, क्षमा, दमुष्टि, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्य, अक्रोध। ये वे गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। तो आपका पाठ दो के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। वीडियो को आप लोग अपने क्लास में अभी अपने सारे फ्रेंड्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।